कायाकल्प की दो सदस्यीय टीम ने पोहरी अस्पताल का किया निरीक्षण। कायाकल्प की दो सदस्यीय टीम ने आज पोहरी सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र की व्यवस्थाओं का जायजा लिया और मौके पर मौजूद कर्मचारियों से सवाल जवाब किए। निरीक्षण करने आई टीम ने सबसे पहले अस्पताल के NRC वार्ड, डिलीवरी वार्ड, ICU वार्ड का निरीक्षण किया, जहां मौजूद कर्मचारियों से चर्चा करने के बाद वहां इमरजेंसी वार्ड के निरीक्षण पर पहुंचे, जहां पर उन्होंने सबसे पहले स्टाफ नर्स मंजू तुरकड़ से सवाल जवाब किए, जिनका उन्होंने सटीक जवाब दिया। एक सवाल के जवाब में वह थोड़ी हड़बड़ा भी गई, लेकिन बाद में सटीक जवाब दे दिया। मौके पर BMO महेंद्र धाकड़ सहित डॉक्टर एवं नर्स उपस्थित रहे थे। पोहरी से संवाददाता धर्मेंद्र शर्मा की रिपोर्ट। क्या निरीक्षण था और क्या अनुमतियां पाई गई? आज दिनांक को मैं डॉक्टर सुरेंद्र सिंह गुर्जर RMO जिला चिकित्सालय मुरैना और मेरे साथी डॉक्टर प्रमोद मिश्रा जो क्वालिटी डिस्ट्रिक्ट क्वालिटी मैनेजर हैं जिला मुरैना, हम लोग भारत सरकार की जो निर्देश हैं उसके अनुसार आज पोहरी सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र का निरीक्षण के लिए आए हुए, और उसमें इसमें जो कायाकल्प अभियान रहता है उसके अनुसार जो उसका निरीक्षण करना है, तो उसमें हम लोग को बारीकी से जैसे हॉस्पिटल का रख रखाव, हॉस्पिटल की साफ व्यवस्था कैसी है, साफ़ सफाई कैसी है, यहाँ का ट्रेनिंग पार्ट कैसा है, बाकी जो स्टाफ यहाँ पे मरीजों के लिए सेवाएँ दे रहा है, जो काम कर रहा है, डॉक्टर्स काम कर रहे हैं, स्टाफ काम कर रहा है, तो उसकी गुणवत्ता, कार्य की जो गुणवत्ता है वो कैसी है, उसे चेक करके चेक लिस्ट के अनुसार उसमें नंबर दिए जाते हैं, जिससे हॉस्पिटल जो संस्था है उसके मतलब इसमें मध्य प्रदेश शासन के वहाँ पे जाकर के उसे नंबरों के अनुसार उसका एक रैंकिंग या ग्रेडिंग बनती है, उस संबंध हम लोग आए हुए हैं आज यहाँ पे। सर, पोहरी में कुछ अनियमितताएं पाई गई हैं या फिर सब सही है? पहले से काफ़ी सुधार हुआ है, कायाकल्प के अनुसार लोग काफ़ी यहाँ पर टीम ने काफ़ी अच्छा काम किया है, और बाकी जो जो गैप और जो कमियाँ निकली हैं उस संबंध में यहाँ के जो संस्था प्रभारी है उनके साथ चर्चा करके अभी उसके बारे में अवगत कराएंगे।